गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो हमने कल की क्लास में कुछ इसका बेसिक जो पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर लें। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी बुक में हैं, उन्हीं से कंसर्न में मैं सबसे पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2.2। और इसको समझते हुए हम बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 2.2 क्या कह रहा है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ एंड −2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 cm अपार्ट। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज 15 cm। ओके, एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को यदि ढंग से समझें तो ये कह रहा है कि भाई इसके किसी पॉइंट पर, इस लाइन ज्वाइन जो कर रही है इस लाइन पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो है। सपोज दैट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो इज पी एंड दैट इज सिचुएटेड ओवर हियर। अब इस P पर पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा। इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा और दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कंडीशन स्टेटेड है कि भाई दोनों का जो पोटेंशियल है वो कंक्लूड करें, रिजल्टेंट निकालें तो वो जीरो आता है। इसलिए हम कह देते हैं यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो यहां पर जब पोटेंशियल जीरो है तो मैं इसको फर्स्ट चार्ज से इसका डिस्टेंस मान लेता हूं, सपोज दिस इज एक्स, ओके, और सेकंड जो है रिमेनिंग बच जाएगा दैट विल बी 15 − x cm। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 15 cm, 15 − x, और ये हो गया x सेंटीमीटर। हम कहेंगे कि वापस से हम पोटेंशियल का सुपरपोजिशन लॉ इंपोज कर देते हैं। अब सुपरपोजिशन लॉ क्या कहता है कि भाई इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, आपका रिजल्टेंट जीरो आएगा। इट मींस दैट द पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू V1, यहाँ दैट इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, तो मैं कह देता हूँ V1 + V2। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट एंड V2 इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। अब V1 और V2 की वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो देखिए बेटा किस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देते आ रहे हैं वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज 1/4πε0 q, और q कितना है हमारे पास, दैट इज 3 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन द डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है x। ओके, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि जो भी डिस्टेंसेस हम रखते हैं वो सारी कैसे में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, क्योंकि हमें MKS यूज करना होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है वो भी किस में मिलेगा, हमें सेंटीमीटर में ही मिलेगा, इस बात को हमें याद रखना है। क्लियर, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज द पोटेंशियल वोल्ट जो भी आ जाएगा, और V2 भी मैं निकाल लूँ और V2 कितना हो जाएगा बेटा, और इसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं लेकिन अभी नहीं रखते हैं, दैट इज −2 × 10⁻⁸ अपॉन 15 − x। ओके, इस तरीके से हम इन दोनों को रख लेते हैं। अब V1 और V2 को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए वापस से इसको मैं समझा दूँ आपको, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। जब भी हम पोटेंशियल और ऐसी ही स्केलर क्वांटिटीज के साथ चार्ज के साथ डील करेंगे तो डेफिनेटली हमें कौन सा साइन साथ में रखना है, हमें नेगेटिव साइन को नेगेटिव चार्ज के साथ ही रखना है। जबकि हम
इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी क्वांटिटी के साथ डील करेंगे तो हमें साइन को मैग्नीट्यूड में साथ रखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम इस तरीके से इसका रिजल्टेंट वी निकालें तो ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1/4πε0, और ये भी कॉमन आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁸ कॉमन आ गया, अंदर बच गया बेटा हमारे पास, देखिए दैट इज 3/x माइनस 2/15-x, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का सम है वो गिवन कंडीशन है, एंड दैट इज जीरो। तो ये तो देखिए बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में ये सारी की सारी क्वांटिटी जैसे ही जीरो में जाएगी तो ये तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ जो क्वांटिटी है उसका हम कंक्लूड निकाल लेते हैं। कंक्लूजन ये आएगा 3/x इज इक्वल्स टू 2/15-x, लाइक दिस। इसको इधर ले जाएंगे, जैसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 3/x विल बी इक्वल टू 2/15-x आ जाएगा। और ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको बार बार स्वयं ही करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इतना आप कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसके लिए मुझे पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे होशियार हैं, ओके। 9 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो इसका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा, मैं कहूंगा कि भाई यहां से ये कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा। अब जब ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो अब इजीली इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया बेटा, यही हमारा आंसर हो गया, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैं शायद एक बार देख लूं, 2.3 एग्जांपल है, पहले उसके कंसेप्ट को देख लें, इसको मिटा देता हूं। ये थोड़ा समझने का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए कुछ फील्ड बना रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज बना रखा है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जाएंगी, ये हमें पहले से पता है, ओके, इस तरीके से। तो मैं आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड निकालूंगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप फील्ड लाइन्स बनाएं दोज मस्ट बी नॉर्मली आउटवर्ड, व्हाट आई सेड, नॉर्मली इनवर्ड और नॉर्मली आउटवर्ड ही होनी चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं निकाल देंगे, यहाँ से निकाले और ऐसे निकाले, ये तो लाइक टेंजेंट हो गया। इस तरीके से होनी चाहिए कि वो बिल्कुल उस चार्ज के सेंटर में जा रही हो, लाइक दैट, ओके, लगना तो चाहिए। बाकी हम फिजिक्स में थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर देते हैं ये चीज़ें, थोड़ा डायग्राम गलत भी बन जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप उसको बिल्कुल करेक्ट बनाएं, ओके। तो दीज टू डायग्राम्स इन द बुक एंड सम पॉइंट्स आर डिफाइंड एज पी क्यू, एक यहाँ पर एक पॉइंट लिया है पी और यहाँ पर एक पॉइंट लिया है क्यू, देर आर टू पॉइंट्स, ओके, और इसके अंदर भी ले लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है ए और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है बी, इस तरीके से दो पॉइंट ले लिए, ओके। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ही हमें समझने की चीज़ें हैं, और वो जो डेफिनेशन हमने शुरुआत में क्लियर की थी फर्स्ट इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हमने पोटेंशियल को अच्छे से समझा था और पोटेंशियल डिफरेंस को भी अच्छे से समझा था। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसका ईजीली आप आंसर दे पाएंगे। अब देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे बुक को ही मैं हाथ में ले लेता हूँ, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq एंड Vb माइनस Va, इन दोनों के साइन हमें देने हैं कि बोलिए ये जो क्वांटिटी है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमें साइन देना है। साइन देखिए कब पॉजिटिव साइन कब होता है, नेगेटिव साइन कब होता है। पॉजिटिव साइन जब होगा जब Vp इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव साइन की कंडीशन क्या हो सकती है बेटा,
वो हो सकती है VP जब ग्रेटर होगा किससे, VQ से, क्लियर। VP की वैल्यू ग्रेटर होगी तो डेफिनेटली ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कि इफ VP इज ग्रेटर देन VQ मींस VQ VP माइनस VQ इज पॉजिटिव, इफ VB इज ग्रेटर देन VA देन VB माइनस VA इज पॉजिटिव, अदरवाइज बोथ आर नेगेटिव, क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि VP माइनस VQ का क्या हालचाल है। VP माइनस VQ हमें पता है कि VP और VQ क्या है, दीज आर द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल एट P एंड पोटेंशियल एट Q। अब पोटेंशियल्स जो हैं वो होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है वो समझिए। मान ली इन्फिनिटी डेफिनेटली इसके आउटवर्ड ही होगा, इधर नहीं हो सकता इन्फिनिटी, इन्फिनिटी उससे उधर ही जाएगा, तो इन्फिनिटी ये रहा हमारा। मैं कहूँगा कि जो चार्ज है उससे जो P है वो नियरेस्ट है और Q जो है थोड़ा दूर है, इसलिए जब मैं पोटेंशियल को डिफाइन करूँ तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज दिस इज द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट लाइज इन द फील्ड। मैं कह रहा हूं कि यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊं तो जो पी पॉइंट पर लाऊंगा उस पर लाने के लिए जितना वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हमें यह देखना है कि वर्क डन क्यू पर लाने पर ज्यादा हो रहा है या पी पर लाने पर ज्यादा हो रहा है। डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव, इसको भी ध्यान रखना है बेटा, डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव। और जब मैं किसी चार्ज को लाऊंगा तो उस पर फील्ड की साइड में मतलब फोर्स जो लगेगा, मान लीजिए क्यू चार्ज ला रहा हूं तो फोर्स किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है। क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि फील्ड जो है आउटवर्ड है, इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है, और ये फील्ड इसको हमेशा क्या करेगा, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द फील्ड, और वी कैन से द फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज टूवर्ड्स द फील्ड, फील्ड के अलोंग इसमें लगेगा एक फोर्स। इसका मतलब फोर्स तो इधर लग रहा है इसके ऊपर, और डेफिनेटली जब भी हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं दैट वर्क डन स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो मैं जब इसको अपोजिट साइड में इस तरीके से ले जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट किस में है, फील्ड में है, इसलिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना जितना मैं पास में जाता जाऊंगा उतना ही ज्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट। इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा और यहां पर लाने के लिए कम वर्क डन करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहां पर VP जो है दैट इज ग्रेटर देन VQ, मतलब पोटेंशियल P पर ज्यादा है, दैट्स व्हाई द VP माइनस VQ कैसा होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा। ओके कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से मैं VB माइनस VA का केस ले लूं, सॉरी दूसरा कौन सा पूछा है, VB माइनस VA ही पूछा है, ठीक है, VB माइनस VA। अब इसको समझिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, जब मैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखिए डेफिनेशन जो दी जाती है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से दी जाती है, तो मैं कह रहा हूं द व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज टू कैरी ए चार्ज, सॉरी कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट लाइज इन द फील्ड। अब यहां से किसी चार्ज को कैरी करूंगा तो यहां तक लाने में मुझे यहां पर कम वर्क डन करना पड़ेगा और यहां पर ज्यादा, लेकिन ये बात इसके लिए तो सही थी बिकॉज इट वॉज पॉजिटिव चार्ज, इट वॉज अपोजिंग द फील्ड, बट हियर द पॉजिटिव चार्ज इज देयर टू कैरी द चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज द सोर्स चार्ज वेयर द फील्ड इज जनरेटिंग बाय दिस चार्ज। तो हम ये कहेंगे कि जब इस चार्ज को ले जाएंगे तो ये डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा तो इसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, इस पर वर्क होगा। The work done is not by done the external source, ठीक है, I am not doing some work on it, the field is doing the work on me, ठीक है,
ये फील्ड क्या करेगा, मुझ पर काम करेगा। दैट्स वाई जब मैं इसको ले जाऊंगा तो ये देखिए, जब मैं इसको ले जाऊंगा इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको बाहर की ओर ले जाऊं तो ये नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब समझिए इस चीज को, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि कभी भी वर्क डन जब होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा, वो कब पॉजिटिव होगा? जब हमें खुद को काम करना पड़ेगा। भाई कोई काम कर रहे हैं और आप थक जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और फील्ड जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है एट द सेम इंस्टांस। तो हम कह रहे हैं यहां पर जब मैं पॉजिटिव वर्क कैसे करूंगा, पॉइंट ए से दूर ले जाऊंगा किसी पॉजिटिव चार्ज को, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग, तो ये इसको जाने नहीं देगा। और मैं जबरदस्ती करूंगा तो जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी सिस्टम की, लेकिन जैसे जैसे पास में आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक ले जाता हूं तो कुछ वर्क डन होता है, इसलिए डेफिनेटली बी पर जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मींस वीबी क्या है, ग्रेटर है वीए से। इसका मतलब वीबी माइनस वीए भी क्या रहेगा, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। क्लियर? ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से यहां से जितना डिस्टेंस पर जाएंगे उतना ही पॉजिटिव वर्क डन होगा, एंड द वर्क डन रिलेट्स टू द पोटेंशियल। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसी का ही एक पार्ट पढ़ लेते हैं। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ऑफ पॉइंट चार्ज। सॉरी, सेकंड ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी। इस केस को छोड़कर हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लें सिंपली। अब पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो किसको रिलेट करती है, वो रिलेट करती है बेटा हमेशा दो चार्जेस को, क्योंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम बनेगा तो वो हमेशा दो चार्जेस से बनता है। तो हम कहेंगे एक चार्ज को रखेंगे जो फील्ड जनरेट करेगा और दूसरे चार्ज को हम ले जाएंगे जो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करेगा जिससे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जो वर्क डन हम करेंगे वो सारा का सारा स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहां पर हमें दो चीजों के साइन और देने हैं, दैट इज यूपी माइनस यू क्यू और एक देना है यूबी माइनस यूए। इन दोनों के साइन देने हैं और साइन की भी एक कंडीशन है कि साइन जब देंगे जब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक चार्ज और रखना पड़ेगा साथ में। लेकिन वो चार्ज इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि वे चार्ज पॉजिटिव नहीं है, अब चार्ज जो है दूसरा वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जब होगा तो ये कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज को जब मैं लाऊं तो देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा होगी, मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस जब मैं अपोज करूंगा तो यहां पर जाने पर एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा और यहां पर कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। सॉरी, मैं कहूंगा ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, उल्टा मैंने कह दिया, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं कहूंगा कि नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मैं इसको पुश करूंगा तो पुश करने में मुझे ज्यादा काम यहां तक करना पड़ेगा। इन द वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेटली वी यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, तो यू बी माइनस यू ए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। क्यों है ऐसा बेटा, वापस से समझिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब मैं रिपेल करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा अंदर ले जाऊंगा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन इन वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस ए पॉइंट की ज्यादा है, बी पॉइंट पर कम है, तो वी बी माइनस वी ए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसकी बात कर लें तो मैं सीधा सा कहूं कि नेगेटिव चार्ज को जब लाऊंगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से वर्क डन होगा, यहां से यहां ले जाएंगे तो ज्यादा वर्क डन होगा, मींस यू क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी और यूपी की वैल्यू कम होगी, इसलिए यूपी इज लेस देन, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये दोनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी दो क्वेश्चन हैं जिनको आप स्वयं करके देखें, कंसेप्ट यही लगेंगे, इन सबको आप अप्लाई करें और यूज़ करें, देखिएगा आप बहुत इन चीज़ों से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस कर लें और उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस का मतलब क्या होता है वो हम अच्छे से समझ लें। इक्विपोटेंशियल सर्फेस का मतलब होता है द सर्फेस एट एनी पॉइंट लाइज ऑन द सर्फेस हैव कॉन्स्टेंट पोटेंशियल। मतलब उसके किसी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल, जो है पोटेंशियल की वैल्यू कोई भी पॉइंट ले ले, सब पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मैं कहूँ पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है किस तरीके से बेटा, 4πε0q/r इस तरीके से। बट द चार्ज क्यू इज कॉन्स्टेंट एज यू नो दैट, यहाँ हमने क्यू चार्ज रख दिया तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आर पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यदि मैं कहूँ कि ऐसे पॉइंट में यदि खींचना चाहूँ कि भाई जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो, तो क्यों ना मैं एक स्फेयर बना देता हूँ जिसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और Q का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा बेटा, 1/4πε0q/r। r इज द डिस्टेंस फॉर दिस कैपिटल R, कर कैपिटल R थोड़ा कंफ्यूज करेगा इसलिए हमें इसे स्मॉल r ही कर देना चाहिए। ठीक है, कैपिटल R कांस्टेंट रेडियस के लिए जनरली यूज करते हैं हम। तो दिस इज स्मॉल r और स्मॉल r डिस्टेंस पर अब ये भी यहां कोई पॉइंट है A, यहाँ कोई पॉइंट है बी, यहाँ कोई पॉइंट है सी, यहाँ कोई पॉइंट है डी। अब मैं ए बी सी डी पॉइंट्स को कंसीडर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ए पर जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, आर है, चार्ज क्यू कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेम लाइक बी पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, सी पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, डी पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो इस सरफेस पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सब पर किसकी वैल्यू सेम है, इन सब पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है और इसी वजह से इस इन सरफेसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, दीज सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, EQUI पोटेंशियल सरफेसेस, इसको सरफेस कह देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस सरफेस। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करता हूं 1/4πε0q/r। ओके, कैपिटल क्यू ले लेता हूं, मान लीजिए इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पुट करूं तो मैं कहूंगा दैट इज 1/4πε0q/r2। सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। मैं कहूं बिकॉज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एज यू नो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दिस इज कॉन्स्टेंट, द आर इज सेम एट एवरी पॉइंट, दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस सरफेस इज सेम। सो कैन वी से दैट दीज आर द इक्वी इलेक्ट्रिक सर्फेसिस, कैन वी से दैट आर दीज सर्फेसिस, आर दिस सर्फेस इज इक्वी इलेक्ट्रिक सर्फेसिस? नो, वाई नॉट, बिकॉज द आर इज सेम फॉर एवरी पॉइंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वैक्टर क्वांटिटी and at every point the direction of the electric field is this, at this point the direction of electric field is this on this point, and electric field is always radial direction,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस सरफेस इज इन रेडियल डायरेक्शन. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. ठीक है, ये कंक्लूड क्या करना चाह रहे हैं वो समझिए. वी कैन नॉट से इट इक्विइलेक्ट्रिक सरफेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट. हियर वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम बट दिस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो द ऑल द वैल्यूज आर स्केलर्स, दैट्स व्हाई there is no direction of these scalar values, that's why the potential at every point is same, that's why this is called equipotential surface. Clear? तो ये हमारे पास हो गया equipotential surface. तो equipotential surface हमारी book में बहुत सारे diagram के लिए, बहुत सारे electric field के लिए बनी हुई है. इस तरीके से जब field होता है, इक्वल फील्ड होता है, तो उसके लिए हम इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं. और कल हमने एक डाइपोल के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखी थी. उसको कहा था इक्विटोरियल प्लेन पर जो है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, दैट्स व्हाई इट कैन बी टेकन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट वी कैन नॉट से दैट दीज सरफेसेस इक्विइलेक्ट्रिक सर्फेसेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस इन द रेफरेंस ऑफ दिस सर्फेस इज ऑल्सो आई एम अगेन ट्रेसिंग दिस डायग्राम. दिस इज ए स्फेयर एंड हियर लाइक आई जस्ट टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी. ओके, नाउ आई एम just putting a charge, there is a charge q, I am just put this charge on a and just sliding this charge on this surface from a to b, then what will be the work done? If you see that, hame pata hai, kya pata hai beta, dekho simple sa case hai, hame pata hai va is equals to vb, as we know that va minus vb karun that will be equal to what? That is zero. And by the definition, VA minus VB is what? That is W upon Q. And if this is zero, then W upon Q is zero. It means the work done is zero for this surfaces. वापस से समझिए. मैं कह रहा हूँ कि VA और VB तो constant है because of these both the points lies on equipotential surface. If I displace charge from this point to this point, then there will be no work done. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है VA और VB same है. VA minus VB zero हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? इसको इधर और VA minus VB जब करूँगा, तो या VB minus VA करूँगा, तो definitely उसकी value कितनी आएगी? Zero आ जाएगी. Final minus initial, initial minus final. इसके लिए zero के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That's why W upon Q will be zero. That's why W is equals to zero. इसका मतलब ये हुआ कि equipotential surface पर यदि आप किसी charge को displace करते हैं, तो उसके लिए कोई भी work done नहीं होता है. There is no work done to displace a charge from any point to the another point. Both the point must be lies on the equipotential surfaces. So these are the equipotential surfaces where the work done to displace a charge on these surfaces is zero and the potential at every point on this surface is constant and magnitude of electric field is constant at every point but the electric field is different at every point. That's why we cannot say these surfaces as equielectric surfaces. ये हमारा हो गया बेटा पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का. तो ये हमने कुछ आज के लिए डिस्कस किया है. कल हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकालेंगे. कल का लेसन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है. वीडियो डेफिनेटली देखनी है.
आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता, बोले साहब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में किस पर तरीके से रिलेशन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने का भी है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए वीडियोज़, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, गुड बाय।